हे गाइस, मेरा नाम है जाविद अंसारी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के द्वारा वैकेंसी जारी हुई, इसमें आपको कई प्रकार की वैकेंसी मिल जाएंगी। गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें आपको कई प्रकार की दोस्तों स्टेट सर्विस जारी की गई हैं। ये आपका दोस्तों फॉर्म जो अप्लाई करने का यहाँ पे डेट है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट के बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म का जो इशू डेट है 25/11/2019 से ये नोटिफिकेशन जो है स्टार्ट हो गया था। इस फॉर्म का जो अप्लाई करने का डेट है 6/12/2019 से आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और इसका जो लास्ट डेट रहेगा दोस्तों 4/01/2020 तक आप इस फॉर्म को ऑनलाइन के माध्यम से सबमिट करेंगे। दोस्तों, इसी डेट तक आप इस फॉर्म का जो फी है आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं करेक्शन करने का जो डेट रहेगा दोस्तों, यानी कि आपका कहीं गलती हुआ रहेगा तो उसको आप अगर सुधारना चाहेंगे तो उसका जो लास्ट डेट रहेगा 7/13/2020 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। प्री एग्ज़ाम होगा दोस्तों, ये आपका ऑनलाइन बेस पे एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम का जो डेट रहेगा 9/2020 में आपका ये एग्ज़ाम होगा, और मेंस जो एग्ज़ाम होगा 17/20/2020 में ये आपका एग्ज़ाम होगा। गाइस, इस फॉर्म के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको जो फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 400 रुपीज़ फ़ी आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट रहेंगे वो 300 रुपीज़ फ़ी पेमेंट करेंगे। करेक्शन जो चार्ज रहेगा, जो आपका गलत रहेगा उसको सही करने का जो चार्ज रहेगा 15 रुपीज़ आपको करेक्शन चार्ज देनी पड़ेगी। गाइस, फ़ी पेमेंट करने का यहाँ पे आपको कई प्रकार का मेथड है, आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जिससे भी आपको बेटर लगे आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, या आप कियोस्क के द्वारा भी आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा आपको प्रोसीड मिल जाएगा। टोटल जो दोस्तों यहाँ पर आपको पोस्ट मिलेगा, इसमें 199 आपको यहाँ पर पोस्ट मिल जाएगी। कई प्रकार की गाइस यहाँ पे पोस्ट है, तो पूरा हम आपको डिटेल्स में बताते चल रहे हैं कि इसमें कितना कितना आपको वैकेंसी जारी किया गया है और क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस कैटेगरी में कितना आपका पोस्ट रहेगा, पूरा डिटेल्स यहाँ पे हम बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट जो आपका पोस्ट है स्टेट सिविल सर्विस, इसमें आपको जो जनरल कैंडिडेट के लिए पोस्ट मिलेगा 7 मिलेगा, OBC के लिए 2 और SC के लिए 2, ST के लिए 4, बैकलॉग के लिए यहाँ पे 0 है। टोटल आपको जो पोस्ट मिलेगा 15 पोस्ट मिलेगा। क्वालिफिकेशन गाइस यहाँ पे सब पोस्ट के लिए सेम मांगी गई है, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है बैचलर डिग्री आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पे देखिए इन्होंने इंग्लिश में लिखा है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आपके ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट रहेगा आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, आपको क्वालिफिकेशन क्लियर समझ में आ गया होगा कि क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है। यहाँ पे जो आपका एज लिया जाएगा देख सकते हैं 1/01/2019 से आपका एज लिया जाएगा। मिनिमम जो एज होनी चाहिए 21 वर्ष और मैक्सिमम जो आपकी एज होनी चाहिए 28 वर्ष मैक्सिमम एज होनी चाहिए। यहाँ पे आपको पुलिस पोस्ट मिल जाएगा जिसके लिए आपको 38 वर्ष मैक्सिमम एज मांगी गई है, और यहाँ पे गाइस बात करें ऑल अदर पोस्ट के लिए तो यहाँ पे गाइस आपको छत्तीसगढ़ के डोमेसिल के कैंडिडेट के लिए छूट मिलेगा आपके एज में, ठीक है। अब चलिए गाइस यहाँ पे पोस्ट डिटेल के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट जो पोस्ट है उसके बारे में हमने यहाँ पे बात कर लिया है। सेकेंड पोस्ट जो रहेगा आपका स्टेट पुलिस सर्विस, इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 10 पोस्ट मिलेगा और OBC के लिए 1 पोस्ट मिलेगा, SC के लिए 2 और ST के लिए 4, बैकलॉग के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। टोटल जो आपको पोस्ट मिलेगा 11 पोस्ट मिलेगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे स्टेट फाइनेंस सर्विस में जनरल कैंडिडेट के लिए 4, OBC के लिए 1 और SC के लिए 2, ST के लिए 4, 11 पोस्ट आपको इसमें भी मिलेगा। यहाँ पर जो दोस्तों नेक्स्ट आपका पोस्ट है फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के लिए, यहाँ पे आपको सिर्फ जनरल में एक पोस्ट मिलेगा, और यहाँ पे गाइस बात करते हैं SC कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट मिलेगा। टोटल यहाँ पे 2 पोस्ट है, इन्होंने 1 लिखा है। और गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर डिस्ट्रिक्ट वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर, इसमें आपको दोस्तों जो ST कैंडिडेट के लिए सिर्फ 1 पोस्ट मिलेगा। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए दोस्तों हम बात करें तो जनरल कैंडिडेट के लिए 2 मिलेगा, और यहाँ पे SC के लिए 1 मिलेगा, OBC के लिए 2 मिलेगा। टोटल यहाँ पे आपको 5 पोस्ट मिल जाएंगी। गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका पोस्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट है, OBC के लिए 2 पोस्ट है और ST के लिए 3 पोस्ट है। टोटल 9 पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। उसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है छत्तीसगढ़ सुबोर्डिनेट अकाउंट
सर्विस में। इसमें आपको दोस्तों 6 पोस्ट मिलेगा जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 1 है और एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 5 यहाँ पे जारी की गई है। बैकलॉग के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको 13 पोस्ट मिल जाएंगी, टोटल जो आपको पोस्ट मिलेगा इसमें 27 पोस्ट मिल जाएगा। उसी प्रकार गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट पोस्ट है आपका असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट लैंड रिकॉर्ड में आपको जनरल कैंडिडेट के लिए 7 मिलेंगी पोस्ट, और ओबीसी के लिए 3 पोस्ट जारी की गई है, एससी के लिए 3 पोस्ट मिलेंगी और एसटी के लिए 6 पोस्ट मिलेंगी, टोटल यहाँ पे आपको 19 पोस्ट मिल जाएंगी। गाइस जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है नायब तहसीलदार में आपको जनरल कैंडिडेट के लिए 5 मिलेगा, ओबीसी के लिए 2 मिलेगा, एससी के लिए 2 मिलेगा और एसटी के लिए 5 पोस्ट, टोटल यहाँ पे आपको 14 पोस्ट मिल जाएंगी। नेक्स्ट जो आपका पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे एक्साइज सब इंस्पेक्टर जनरल कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट मिलेगी, ओबीसी के लिए 2 पोस्ट मिलेगी, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए टोटल 4 पोस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको टोटल जो वैकेंसी मिलेगा 12 पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिपार्ट रजिस्टर्ड के लिए बात करें दोस्तों इसमें आपको दोस्तों सिर्फ एसटी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट मिलेगा। दोस्तों नेक्स्ट जो आपका पोस्ट मिलेगा कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 7 मिलेंगी, ओबीसी के लिए 2 और एससी के लिए 2, एसटी के लिए 6, टोटल आपको 17 पोस्ट मिल जाएंगी। ठीक उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे कॉपरेटिव इंस्पेक्टर कॉपरेटिव एक्सपेंशन ऑफिसर में आपको जो पोस्ट मिलेगा जनरल कैंडिडेट के लिए 12, ओबीसी के लिए 4, एससी के लिए 4 और एसटी के लिए यहाँ पे 10 पोस्ट आपको मिल जाएंगी, टोटल इसमें 30 पोस्ट आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपका जो सबसे लास्ट पोस्ट है असिस्टेंट जेल ऑफिसर, इसमें जनरल कैंडिडेट के लिए 3, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए 1 और एसटी के लिए 2, टोटल आपको यहाँ पे 7 पोस्ट मिल जाएंगी। कैसे अप्लाई करना है गाइस, आपको बिल्कुल नीचे आना है, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के जस्ट बगल में क्लिक हेयर का ऑप्शन मिल रहा है आपको। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन होगा, आप इससे मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये पेज ओपन होगा तो आपको सबसे नीचे यहाँ पे देख सकते हैं मूव टू नेक्स्ट स्टेप, आपको इस पे क्लिक करके दोस्तों नेक्स्ट पेज आगे बढ़ना है, उसके बाद इस फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन अप करना है, उसके बाद एप्लीकेशन फिलअप करना है, इसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट्स ये सब कुछ पूरा डिटेल्स फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद फॉर्म को कर लेना है सबमिट। ठीक है, अगर आप दोस्तों नोटिफिकेशन चेक करना चाहेंगे तो यहाँ से क्लिक करके आप नोटिफिकेशन चेक करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट को आप यहाँ से क्लिक करके चेक कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।